राखी सावंत और आदिल खान की मैरिज कंट्रोवर्सी दिन पर दिन और भी क्रिटिकल होती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 6 फरवरी को राखी सावंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में आदिल खान के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करती हैं। राखी के पुलिस कंप्लेंट की खबर सुनते ही आदिल खान इन पर गुस्सा हो जाते हैं और उसी गुस्से में ये राखी सावंत से मारपीट करने लगते हैं और इसी दौरान राखी सावंत एक बार फिर आदिल खान के खिलाफ FIR करती हैं। वहीं राखी की दोबारा कंप्लेंट मिलते ही पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आदिल को 7 फरवरी को अरेस्ट कर लेती है। साथ ही आदिल की गिरफ्तारी के बाद जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो आदिल को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदिल खान पिछले एक हफ्ते से जेल में हैं और आपको जानकर काफी शॉकिंग लगेगा कि इन पिछले 7 दिनों में आदिल खान से इनकी फैमिली का कोई एक भी मेंबर इनसे मिलने तक नहीं आया। बताया तो ये भी जा रहा है कि आदिल खान एक अनाथ हैं जिन्हें मुंबई के कपल्स ने गोद लिया था। हालांकि राखी सावंत से शादी करने के बाद इनकी फैमिली ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया और जिसके बाद से ये राखी सावंत के साथ मुंबई में ही रहते थे। फिलहाल घर का एक सदस्य इतने दिनों से जेल में बंद है लेकिन अभी तक परिवार में से कोई भी इनसे मिलने नहीं आया और इस बात को राखी सावंत ने खुद अपने मुंह से कहा। आप खुद सुनिए। आपका बेटा 7-8 दिन से जेल में, आप लोग मिलने भी नहीं आए हो।